नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रक्षाबंधन की विशिंग स्क्रिप्ट। तो अगले महीने जो है वो 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पे आने वाला है, तो उसी के ऊपर की विशिंग स्क्रिप्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट डाउनलोड कहाँ से करनी है और एडिट कैसे करना है, उससे पहले जो है हम यहाँ पे विशिंग स्क्रिप्ट का डेमो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और लाइट वेट यहाँ पे ये विशिंग स्क्रिप्ट है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे लोड हो जाती है। तो इसे डाउनलोड कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आने के बाद आप यहाँ से उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले अगर आप उसका डेमो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका डेमो भी देख सकते हैं। उसे एडिट करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एडिट करने वाले हैं तो यहाँ से आप वो एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसे मोबाइल में एडिट करने वाले हैं तो यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये यहाँ से डाउनलोड कर लिया, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे एडिट कैसे करना है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आपके लिंक्स कहाँ कहाँ पे चेंज करने हैं वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको स्क्रिप्ट एडिट करने के बाद जहाँ कहीं भी आप वो स्क्रिप्ट अपलोड करने वाले हैं तो उस ब्लॉग का लिंक जो है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो स्क्रिप्ट में आपको योर ब्लॉग लिंक ऐसा जहाँ पे दिखा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी ब्लॉग की लिंक यहाँ पे डालनी है। तो टोटल जो है वो 2 जगह पे आपको अपनी ब्लॉग की लिंक यहाँ पे डालनी है। अगर आप कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे टाइप कर लेंगे तो वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा योर ब्लॉग लिंक। तो वहाँ पे आप अपनी ब्लॉग का लिंक डाल दीजिए। एक जो है वो आपको हेडर में डालना है और एक जो है सबसे नीचे यहाँ पे जहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का शेयर बटन होगा वहाँ पे। तो एक बार आपने ये लिंक्स यहाँ पे अपडेट कर ली, अब हम देखते हैं कि ऐड यूनिट्स आप को यहाँ पे कहाँ कहाँ पे डालने हैं। तो विशिंग स्क्रिप्ट में जो है वो आप यहाँ पे टोटल 3 जगह पे ऐड यूनिट्स डाल सकते हैं। तो जो भी ऐड नेटवर्क के ऐड आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उनके ऐड यूनिट्स आप पहले यहाँ पे क्रिएट करके रख लीजिए। और यहाँ पे ब्लॉग में आप कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे टाइप कर देंगे स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पेस्ट ऐड कोड हियर, और उसके ठीक नीचे आपको रेकमेंडेड ऐड यूनिट साइज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली कंट्रोल F प्रेस करना है और आपको कोड टाइप करना है या फिर पेस्ट आप टाइप कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने ऐड यूनिट्स डाल दीजिए। 1 by 1 मैं यहाँ पे अभी ऐड यूनिट्स डाल देता हूँ। एक बार आपने यहाँ पे ऐड यूनिट्स डाल दिए तो फिर से एक बार हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का डेमो देख लेते हैं। तो जो भी ऐड नेटवर्क आप यूज़ करना जा रहे हैं तो वो ऐड यूनिट्स अपीयर होने में आपके स्क्रिप्ट में यहाँ पे टाइम लेगा, वो ऐड यूनिट नेटवर्क के ऊपर है कि वो ऐड यूनिट्स कब अपीयर होंगे। तो एक बार आपने यहाँ से ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से एडिट कर ली तो अब हम देखते हैं इसे ब्लॉगर में आपको कैसे अपलोड करना है। तो ब्लॉगर में अपलोड करने के लिए आप यहाँ से जो एडिटेड स्क्रिप्ट है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हमें जहाँ पे जाना है ब्लॉगर में, तो जहाँ पे भी आपका ब्लॉग होगा या फिर आपने नया ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट किया होगा तो उसके थीम सेक्शन में आपको जाना है। उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यहाँ से आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है सिंपल वाला, तो इसमें सबसे पहला जो आपको टेम्पलेट है वो आपको अपनी ब्लॉग पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से जो अप्लाई टू ब्लॉग का बटन है, इस बटन का यूज़ करके आप इसे अपनी ब्लॉग पे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है एक बार, और यहाँ पे जो मोबाइल वर्जन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सेटिंग्स का आइकॉन है इस आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए, शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल डिवाइसेस। एक बार आपकी ये थीम यहाँ से अपलोड हो जाए फिर से एक बार नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और सबसे आखिर में यहाँ पे जो रिवर्ट टू क्लासिक थीम का ऑप्शन है इसे एक्सपांड कर लीजिए और ये वाला ऑप्शन फिर से एक बार अप्लाई कर लीजिए, रिवर्ट टू क्लासिक थीम। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये जो है यहाँ पे चेंज नेवबार का ऑप्शन है, यहाँ से हमें इसे ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एडिटर में जो आपको कोड मिल जाएगा थीम का, इसे कंट्रोल A प्रेस करके हटा दीजिए और जो भी स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे अभी एडिट की है उसका कोड यहाँ पे पेस्ट करके इस बटन से सेव थीम कर लीजिए। अब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ब्लॉगर में यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। ब्लॉग को हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी थीम यहाँ पे सक्सेसफुली ब्लॉगर में अपलोड हो चुकी है और हमारे ऐड यूनिट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे अपियर होना चालू हो चुके हैं। तो जब कभी भी यूज़र ये शेयर बटन पे क्लिक करेगा व्हाट्सएप के, तो वो डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है। एक बार मैं आपको इमेज भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो शेयर करने के बाद दूसरे को कुछ इस तरीके से वो मैसेज जाएगा जो भी आप शेयर करने वाले हैं, या फिर वो यूज़र अगर दूसरे किसी यूज़र को भी शेयर करता है तो। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उसकी भी स्क्रिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो रक्षाबंधन विशिंग स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।